हाय गाइज, वेलकम टू मोबीग्राफी। एंड आज हम सीखेंगे कैसे गैटी इमेज कंट्रीब्यूटर पर अपनी फोटोग्राफी को सेल के लिए अपलोड किया जा सकता है। तो उसके लिए आपको गैटी इमेज कंट्रीब्यूटर का जो मोबाइल एप्लीकेशन है, एंड्रॉयड एप्लीकेशन है, उसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो प्ले स्टोर से आप गैटी इमेज कंट्रीब्यूटर एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लीजिए। तो ये रहा एप्लीकेशन, इसको हम ओपन कर लेते हैं। एंड ओपन करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने ओपन होता है। यहाँ पर आपको कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस को एग्री करना पड़ेगा। एंड देन आप नीचे की तरफ देख सकते हो, आपको गेट स्टार्टेड एंड साइन इन का बटन देखने को मिलता है। तो हम गेट स्टार्टेड पर क्लिक करेंगे एंड अपना एक अकाउंट क्रिएट कर लेंगे। गेट स्टार्टेड पर क्लिक करने के बाद आपको यहां पर अपना ईमेल देना पड़ेगा एंड आपको अपना कंट्री सिलेक्ट करना पड़ेगा। सिलेक्ट हो जाने के बाद आप नेक्स्ट पर क्लिक कर दीजिए एंड देन आप अगले पेज पर चले आएंगे। यहाँ पर आपको 3 से 6 अपने फोटो, इलस्ट्रेशन या फिर वीडियो कोई भी अपलोड करना पड़ेगा। तो हम सिंपली फोटोज़ पर क्लिक करेंगे क्योंकि हम यहाँ पर अपना फोटोग्राफी अपलोड करेंगे और अपनी जो गैलरी है वहाँ से 3-4 फोटो सिलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने अपना फोटो सिलेक्ट कर लिया एंड ये जो फोटोज़ आप सिलेक्ट कर रहे हो, ये सारे फोटोज़ को देखने के बाद गेटी इमेज ये ठीक करेगा कि आपको अकाउंट देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। एंड देन आप यहां से अपना अप्लाई कर दीजिए एंड देन अगर आपका फोटो अच्छा रहा तो गेटी इमेज आपका अकाउंट अप्रूव कर देगा और आपको ईमेल मिल जाएगा। आपके फोटो अपलोड करने के 5 से 7 दिन के अंदर आपका अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा। अपने जो भी फोटो अपलोड होगा उसके हिसाब से आपका अकाउंट अप्रूव या फिर डिसअप्रूव होगा। तो अगर आपका अकाउंट अप्रूव हो जाता है तो आपको गेटी इमेज की तरफ से कुछ इस तरह का एक ईमेल देखने को मिल जाता है जहां पर आपको बताया जाता है कि आपका जो अकाउंट था वो अप्रूव हो चुका है। एंड देन आपको यहां पर एक कंप्लीट माय एनरोलमेंट नाम का एक बटन देखने को मिलता है जिस पर क्लिक करके आप अपने प्रोफाइल पर जाके बाकी सारे एडिट्स जैसे कि आपका लोकेशन, नेम, यूज़र नेम, पासवर्ड सभी कुछ चीज़ों को सेट कर पाएंगे। अकाउंट क्रिएट हो जाने के बाद आप गेटी इमेज ऐप के अंदर चले आइए एंड साइन इन के अंदर जाकर आप अपने यूजर नेम एंड पासवर्ड से लॉग इन हो जाइए। एंड साइन इन हो जाने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा जहां पर आपके सामने होगा गेटी इमेज का जो टाइमलाइन। यहां पर जो भी सारे नए फोटोज आ रहे हैं वो सब आपको यहां पर दिखाई देगा। एंड देन दाहिने तरफ आपको माई फोटोज का एक ऑप्शन दिखाई देगा एंड बीच में आपको एक प्लस बटन फोटो अपलोड करने के लिए। ऊपर की तरफ 3 डॉट पर क्लिक करके आप बाकी सारी चीजों को देख सकते हो जैसे कि प्रोफाइल नेम, अबाउट, ऐप, यूजर गाइड, सभी कुछ चीज़ों को आप एक्सेस कर पाएंगे। नीचे की तरफ आपको जो प्लस बटन मिलता है उस पर आप क्लिक करके अपने फोटो को अपलोड कर पाएंगे। फोटो सिलेक्ट हो जाने के बाद आपका यहाँ पर फोटो अपलोड होगा तो उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। एंड जैसे ही आपका फोटो अपलोड कंप्लीट हो जाएगा आपको यहाँ पर एक अलर्ट शो होगा जहाँ पर जो फोटो का मेटा डाटा है उसको आपको एडिट करने के लिए बोलेगा। तो उसको ओके कर दीजिए एंड देन यहाँ पर आपको फोटो का जो भी डिटेल्स है जैसे कि टाइटल, डिस्क्रिप्शन, लोकेशन एंड टैग्स सभी कुछ चीज़ें आप यहाँ से ऐड कर दीजिए। और यहाँ पर हमने हमारे फोटो के सारे डिटेल्स जैसे कि टाइटल, डिस्क्रिप्शन, टैग, लोकेशन सब कुछ दे दिया है एंड हम इसको सेव कर देते हैं। सेव होने के बाद आपको यहाँ पर सबमिट करना पड़ेगा। अगर आप सबमिट नहीं करेंगे तो आपका फोटो वेरीफाई के लिए नहीं जाएगा। तो यहाँ पर हमने सबमिट कर दिया है एंड आप देख सकते हो इसका जो स्टेटस है वो सबमिटेड है। एंड देन अगर आप अपने माय फोटोज़ पर जाएंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हो जो भी फोटोज़ आपने अपलोड करके रखे उसका स्टेटस आप चेक कर सकते हो। जो भी फोटोज़ आपका सिलेक्ट हुआ है, डिसलेक्ट हुआ है, सभी कुछ का स्टेटस आप यहाँ पर चेक कर पाएंगे। तो बस यही रहा गेटी इमेज कंट्रीब्यूटर एप्लीकेशन। बहुत ही छोटा सा सिंपल सा एप्लीकेशन है लेकिन इसका जो फोटो मार्केट है बहुत ही बड़ा है। सो आई होप गेटी इमेज के बारे में आपको सभी कुछ चीज़ें पता चल चुका होगा। एंड अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा भी हेल्प मिलता है तो आप वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए एंड आप हमारे चैनल मोबीग्राफी को सब्सक्राइब कर लीजिए मोबाइल फोटोग्राफी रिलेटेड की वीडियोस फ्यूचर में और भी देखने के लिए। थैंक यू।